जब से देखिए तब से ये इतने शौक में है, तो सोचो उन लोग पे क्या बीत अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आपने देखा कि सुबह सुबह ही मैंने घी बना दिया था, घी ख़त्म हो चुका था। रमज़ान से पहले मैंने घी बनाया था, इनफैक्ट रमज़ान में ही बनाया था शायद, याद नहीं आ रहा है, बट बनाया था, बट अभी ख़त्म हुआ था। तो फिर मैंने घी बनाया और बस थोड़ी बहुत शौहर जी की तबीयत ख़राब है, अनु की तबीयत ख़राब है, तो व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। अब जो है व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स आप लोगों के आ रहे हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो चलिए फिर व्लॉग बनाते हैं। और आज क्या होता है, बस निकल रही हूँ, शाम हो गई, निकल रहे हैं बाहर। शौहर जी अभी ऑफिस से आए हैं, मुझे जाना है टेलर भैया के पास, कुछ कुछ कपड़े देने हैं। एक मम्मी का ड्रेस भी है, मम्मा ने यहाँ पे छोड़कर गए थे, क्योंकि उस पर ना दुपट्टा और सलवार का कपड़ा लेना है, फैब्रिक एक, तो उसमें सलवार का फैब्रिक और दुपट्टा मैचिंग लेना है, तो वो लेना है। और फिर चलते हैं टेलर भैया के पास, टेलर भैया के पास कपड़े देते हैं और देखते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ पी लेते हैं शौहर जी के साथ, जो भी है मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलिए अस्सलाम वालेकुम सर, और आप अनु को स्लीवलेस में शायद पहली बार या फिर बहुत जमाने के बाद देख रहे होंगे, क्योंकि वो स्लीवलेस पहन रही नहीं है। बट पूना में बहुत ज़्यादा गर्मी है ना शौहर जी। और आपकी ऑफिस कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है? कल शौहर जी इंजेक्शन लेके आए थे, ठीक है तबीयत? कल उनको बहुत बॉडी पेन हो रहा था और थोड़ी खांसी भी, आज खांसी नहीं आई ना, कम है, ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? चिट्टुकली की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसकी भी दवाई लेकर आए, यही सब चल रहा था। थकान है ना, बहुत थकान चल रहा है, ट्रैफिक बहुत है ना। आप कार में चले जाओ ना, कार क्यों नहीं, लेकिन तो और भी ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, लेट होएगा, लेकिन सुकून से तो जाएंगे ना, एसी में गर्मी कितनी है। बाइक से कैसा फटाफट कैसे भी निकल नहीं पाता है, कैसे भी निकलने को नहीं आता है, कैसे भी नहीं निकल नहीं सकते, रोड में इतना ट्रैफिक रहता है, भगा ही नहीं सकते, तो भूल जाओ, कैसे भी निकलने को बोलते, साइड साइड से निकल नहीं पाता है, तो वो है। थोड़ा जोर से बोलो, किसी को आपकी आवाज आती नहीं है। हाँ, सब लोग वही बोलते हैं, असलम भाई की आवाज नहीं आती। किसको आप देख सकते हो घर की क्या हालत है, सब जगह अनु के टॉयज पड़े हुए हैं, ये देखो, ये तो हमको लेके जाना है अभी टेलर भैया के पास, सब जगह उसके टॉयज पड़े रहेंगे हर जगह। चलो हम लोग फटाफट जाके आते हैं। और मैडम, आज ये मैडम की भी तबीयत खराब है, आज पता नहीं सबको क्या हो गया है, ठीक है अभी तबीयत, तुमको वालेकुम सलाम, तुमको डिहाइड्रेशन हो गया है, इसको वॉमिटिंग हो रही थी, पानी ज्यादा पियो, एनर्जिल पियो, लो ये सुबह से ये खत्म नहीं हुआ है उसका, सोचो ऐसे चार तो खत्म होने चाहिए थे सुबह से, कम से कम दो तीन लो, गट करके पी लो दवाई समझ के, नहीं तो इसको इंजेक्शन लेके ले लो, ऐसे कर लो, जाओ इंजेक्शन लो, चलो इंजेक्शन लेके आते हैं, हाँ थोड़ी देर फ्रिज में रखो फिर पियो, ठीक है, ये पियेंगे तो अच्छा लगेगा, नारियल पानी भी मैं आते आते लेके आती हूँ, ठीक है, चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज, चलो। इसका लिफ्ट का मिरर कुछ ज्यादा ही खराब हो गंदा हो गया, तो बस निकलते हैं। तो वैसे अब ऑफिस की ड्यूटी खत्म, अब देखो अभी मैं मैडम की ड्यूटी, तो नहीं जाओ ना ऑफिस, घर से काम करो, कंपल्सरी यार, बोर होता है आपके बगैर, बोर होता है। वही चल जाएगा, ये इसका वर्क है ना, सेम मैचिंग है, कितना लगेगा सवार के लिए? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ऐसे अंदर है, तो हमारे घर में एक्चुअली मेरे चाचा के बेटे की शादी है, तो मम्मा ने शादी किया था, तो इस पर दुपट्टा नहीं था और सलवार का कपड़ा नहीं था, तो बोले
मम्मी का है ना ये, तो उनको कॉटन ही अच्छा लगेगा। थोड़ा और ऐसा शिमर वाला देखो, अगर ट्राई करो नहीं तो यही मिलेगी। ऑर्डर में सबसे बेस्ट चीज़ है, अच्छा लगता है, मैच हो रहा है तो मम्मी के लिए ठीक है, कंफर्टेबल है। और गर्मी भी बहुत है, 25 तारीख को शादी है तो और ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये आपका ही बहुत बड़ा था और ये जो इसके स्लीव्स पफ्स थे ना, लेकिन एकदम टाइट नहीं करना है, लूज, बहुत ज़्यादा लूज भी रहेगा तो चलेगा, एकदम ज़्यादा एकदम फिटिंग नहीं। इसकी तो ज़रूरत नहीं है, सलवार का ये एक सूट है। थैंक यू, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको ऑफिस से आने के बाद बना के भी नहीं दी ना चाय, टाइम किधर, अभी चाय पीते पीते बोले तो फिर बंद हो जाता सब कुछ, तो इसके लिए चल जाता। वैसे भी इधर की चाय बहुत अच्छी रही, बहुत क्या की चाय। हाँ, कैफे पैराडाइज कैम में ना चाय, यहाँ पे थोड़ी फीकी मिलती है चाय, मतलब ज़्यादा मीठी नहीं होती, क्रीम रोल के साथ अंदर। अच्छा ये भी हो सकता, बट ऐसे मत लगेगा, उठो ऐसे नहीं चलाओ ना, मेरे को टेंशन आता है, संभाल के चलाओ, ठीक है चलो जाओ। तो फाइनली आ गए हैं वहां से, फटाफट से दुपट्टा फैब्रिक वगैरह लिया, टेलर भैया को दिया, उसके बाद चाय पी और घर आ गई। और फिर मैंने सोचा चलो मैं रेडी हूँ, तो फटाफट से ड्रेस चेंज करके मैं हम लोग रील्स बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक भी रील बची नहीं है पोस्ट करने के लिए। और ये जो है रील बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आम को लेकर, और ये मेरे रियल लाइफ से भी रिलेटेबल है। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे रील चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, और मैं शॉर्ट्स पे भी इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। ये तो सही बात है, कंटेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बस मैं आम खाती रहूंगी, तो शौर जी पीछे से देखते हैं कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आम को लेकर, तो शौर जी पूरा फ्रिज भर देंगे आम से। मेरे शौर जी लिटरली ऐसा है, सिर्फ आम की बात नहीं है, हर को एक चीज मंगाऊंगी 10 चीजें आ जाएगी, तो आम को भी लेकर ऐसे ही है। हम आम का सीजन चालू हो गया, अब इतने आम आने लग गए, मतलब मेरे पास जगह ही नहीं है अभी रखने की, इतने आम लेकर आते। और वो शौर जी ने अभी 16 साल से मुझे इतना आम खिलाए, अभी इतना मन भी नहीं करता आम खाने का, मतलब वो क्या करते ना, इतना खिला देते ना हर चीज, दिल भी भर जाता है और कुछ खाने का दिल भी नहीं करता, ऐसा है। तो इस टाइम मुझे इतना ज्यादा क्रेविंग नहीं हो रहा है आम का, बट बच्चे खाते हैं तो बच्चों के लिए लेकर आते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, बट पहले कितना शौक से खाते थे ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इतना ज्यादा अभी पता नहीं दिल उड़ गया है, इतना शौर जी ने खिला दिया है हम लोगों को दिल भर के, तो उनकी वही आदत है, बस जो भी खाना है दिल भर के खाओ, और बस दिल भी खुश और टेस्ट क्या बोलते हैं जबान भी खुश। तो बस अभी फटाफट वो रील बनाती हूँ, मैंने खाना भी गर्म को रखी हूँ, ये रील बनाकर हम लोग खाना खाएंगे। आज मैंने बनाई हूँ मूंग जो थी ना, हरी मूंग, उसकी दाल मुझे बहुत पसंद है, शौहर जी को इतनी पसंद नहीं है, बट ये हेल्दी होती है तो शौहर जी को आज खाना पड़ेगा, ठीक है। और दो तीन दिन से हम लोग बहुत नॉनवेज खा रहे थे, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, इसलिए फिर मैंने आज पूरा वेज बनाया, भिंडी भी बनेगी, आलू की फेवरेट थोड़ी सी अभी बची है, तो यही हम लोग अभी रात में ख़त्म करेंगे, और एज यूजुअल मैंगोज अभी कट करूँगी। चलिए फटाफट रील बनाते, फिर मैं आपको बस मिलती हूँ, फटाफट मैंगोज कट करती हूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद शूट करते हैं रील। चले रेडी हो शौर जी, तो शौर जी के साथ बनाएंगे रील, और तो शौर जी के साथ बनाते हैं रील, और हमारा जो कैमरा पर्सन है वो चेंज होने वाला है, जोया आएगी हम लोग का शूट करेगी, तो चल।
अभी मैं प्लेट ऐसे रख के अपना खाऊंगी, एंजॉय करूंगी, फिर आप पीछे से ऐसे देखना, ठीक है? स्टार्ट। अभी क्या है अभी तुम्हारे? इनको कोई कंटेंट का पता ही नहीं, वो रील्स देखते ही नहीं। अभी जब पूरा बन जाएगा ना तब उनको पता चलेगा। हाँ फिर बोलते हाँ तुमने तो अच्छा दिमाग लगाया। चलो स्टार्ट, जरा बोलो स्टार्ट। हाँ ठीक है चलो स्टार्ट। अब्बा देखे हो गया, अच्छा आया, हो गया ठीक है। अब नेक्स्ट डे मैं फ्रिज खोलूंगी, ठीक है? ये अनु को दे दो खाने के लिए, रखो ना, सिर्फ अभी मेरा आएगा बस, ठीक है? स्टार्ट। क्या करते रहते हैं, इनको समझ में आता है, हमको भी समझ में आता है, बस हमको बोलते हैं इधर ये करो वो करो, ठीक है? कंटेंट कंटेंट, जब अभी आप पूरा देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। चलो देखता हूँ मैं, देखता हूँ क्या करने का, मेरे को वही समझ में आता है, अच्छे से आम खाने का, सुकून से खाने का, उसमें क्या है? अरे आपको नहीं पता, जब पता चलेगा तब बोलूंगी। अब जो है फटाफट दूसरा रील बनाते हैं, दो रील दो तीन रील मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलो, और इसके बाद मैंने रील शूट की और एक, और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक स्टोरी इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती हूँ। मैंने स्टोरी भी अपलोड कर दी थी और उसके बाद मैं इंस्टाग्राम बंद कर रही थी तो सामने मुझे मुंजरीन का पोस्ट नज़र आया, तो मैंने सोचा चलो ये गिव अवे वगैरह का मैसेज होगा, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और फिर मैंने इंस्टाग्राम बंद किया और फिर से मैंने ओपन किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उसमें बुशरा का नाम है, तो मैंने इंस्टाग्राम वापस ऑन किया और मैंने पढ़ा। मैंने एक बार मैसेज पढ़ा फिर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि सच कहूँ तो इंसान के वो दिमाग में वो चीज़ हो मतलब आएगी ही नहीं ना वो चीज़। फिर मैंने फिर से एक बार पढ़ी मैंने वो मैसेज और फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने जोया को बोली बेटा ये पढ़ो और मुझे समझाओ कि ये क्या है, ये मैसेज क्या है। तो जोया ने मुझे पढ़कर सुनाया कि मम्मा ऐसे ऐसे हुआ है, बुशरा दी के अब्बा का इंतकाल हो गया। बस मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हट गई, मैं मतलब लिटरली कांप गई, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई। मेरा ये हाल था तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ बुशरा और उसके घर वालों का क्या हाल होगा, आंटी का क्या हाल हो गया होगा। बस मतलब बहुत दिल दुखा, बहुत ज़्यादा दिल दुखा। मैंने बुशरा को बहुत फ़ोन लगाए, फिर इमरान भाई ने फ़ोन उठाया और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ ये ऐसे ही हुआ है। तो बस मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं जा भी नहीं पा रही थी क्योंकि अनाया की तबीयत ख़राब, शौहर जी की तबीयत भी ख़राब थी और बहुत चीज़ें रहती है। बट इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बुशरा को मिलने जाने वाली हूँ। बस आप लोग भी उन अंकल के लिए दुआ करना और उनके घर वालों के लिए भी दुआ करना कि अल्लाह उनको सब्र दे और बस बहुत सारी हो सके पढ़ाई करना उनके लिए और अल्लाह उनकी मगफिरत करे और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और मेरी तो हालत ही नहीं थी उस टाइम पर बात करने की क्योंकि मुझे मैं मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब हम कुछ सोचते भी नहीं है और वो हो जाता है। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी है इस चीज़ में, बट उस टाइम जब अचानक से कुछ धक्का लग जाता है या फिर वो बीमार नहीं थे, वो बहुत हेल्दी थे और अचानक ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, बहुत तकलीफ़ हो गई। और ये व्लॉग इंशाल्लाह मैं 3 दिन के बाद डालूंगी, अभी तो नहीं डालूंगी, इंशाल्लाह 3 दिन उनका हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह मैं डालूंगी, वरना मैं मुझे एक्टिव रहने का और कुछ काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं है। बस हम लोग इंशाल्लाह अंकल के लिए पढ़ाई करेंगे और खूब सारी दुआ करेंगे, आप लोग भी बहुत सारी दुआ करना उनके लिए। बस अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनकी फैमिली वालों को सब्र दे। ऐसा है ना, एकदम शॉकिंग बोले तो किसको भी यकीन नहीं हो रहा हो, अभी क्या ये कर सकते बोले तो इंसान का ना कोई भरोसा ही नहीं है, वो तो क्या सोचे बोले तो किसने ऐसा सोचा भी नहीं रहेगा ऐसा, इसी को बोलते ना क्या वक्त का कोई भरोसा नहीं है। सुनो
पहले तुम अपने आप को संभालो, उसको भी फोन करो, देखो क्या ये है करके। बहुत बोले तो बहुत अच्छे इंसान थे वो, हम मैं एक बार मिला भी था उनसे, एकदम डाउन टू अर्थ इंसान, बहुत जॉली, बहुत बोले तो एकदम ऐसा उनकी कंपनी में ऐसा खुश माहौल रहता था। और तो हम लोग जब गए थे ना मुंबई, तो तभी उनके उनसे भी मिले थे हम लोग, बहुत बोले तो खुश मिजाज इंसान और जॉली, और उनके बोले तो एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती थी। और हम लोग थोड़ी देर के लिए मिले, लेकिन उतने इसमें बोले तो इतना बॉन्डिंग हो गया था ना कि उनके बच्चे लोग भी यही बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत सालों से मिले, बोले तो एकदम ये तो अभी वो याद भी कर रहा हूँ ना, तो देखो ऐसी स्माइल आ रही फेस पे, बोले तो इतना उन्होंने ये कर दिया था एनवायरमेंट, इतना बोले तो खुश मिजाज कर देते हैं वो। अब यही अभी जब से देखिए तब से ये इतने शौक में है, तो सोचो उन लोग पे क्या बीत रहा होगा अचानक में, एकदम हेल्दी इंसान एकदम हट्टा कट्टा अचानक में ऐसा होना, बोले तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, घर वालों को सब्र दे। इंशाल्लाह फोन पे बात करके देखते, चलो संभालो खुद को, देखो उनसे पहले बात भी करो।